खत्म हो चुका है आधा साल निकल चुका है कुछ ना कुछ तो हेल्थ रेजल्यूशन भी बनाए होंगे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के स्टार्टिंग में क्या हुआ उनका अचीव किया नहीं इस वीडियो को आपको ऐसा जरूर लग सकता है मनीषा उ डेर यू पॉइंट मी आउट लाइक देट बट आई एम प्रोर की आपका जो स्टक वेट है स्टक हॉर्मोन्स है और जो भी आपके हेल्थ इशूज है उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा हाई मेरा नाम है मनीषा मेहता मैं क्लिनिकल और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप सिंपल तीन चीजों को फॉलो करके अपना कोई भी हेल्थ गोल अचीव कर सकते हो येस आई नो सुनने में थोड़ा सा अनबिलीवेबल लग रहा है लेकिन जब मैं आपको ये पूरी चीज समझा दूंगी तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली यही है और उसके अलावा जितना भी है वो सब कुछ फ्लफ ही है एट द सेम टाइम इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं उसके पीछे की रियलिटी क्या है और इस वीडियो के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं या तो आप ये बोलोगे थैंक यू सो मच मनीषा आपने ये बता दिया इट्स सो ईजी टू इम्प्लीमेंट और यू विल से मनीषा तुम्हारी ऐसी की तैसी तुमने मेरी गलतियाँ इतनी ईजिली पॉइंट आउट तो कर दी

तो उसके लिए आपको ये तीन स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है ये तीन स्टेप्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको मैं अल्टीमेट इक्वेशन ऑफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलती हूँ क्योंकि पिछले बारह साल से इन तीन चीज़ों के अलावा और कोई चौथी चीज़ मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ में नहीं की है लेकिन उन सभी के हेल्थ गोल्स अचीव हुए हैं मनीषा क्या इक्वेशन है प्लीज बताओ इट्स नथिंग स्पेशल इट्स जस्ट थ्री स्टेप्स ऑफ वर्कआउट न्यूट्रिशन एंड स्लीप दैट्स इट बट अगर आप ये तीनों चीजें ऑलरेडी कर रहे हो और तब भी ये काम नहीं कर रहा है दैट मीन्स आप इन तीन चीजों को अभी ठीक से नहीं समझे हो सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्कआउट फर्स्ट वर्कआउट चाहे आप कैसा भी करो लेकिन वर्कआउट के बारे में एक चीज आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट इज दैट वर्कआउट इज नथिंग एल्स बट डैमेज टू द बॉडी यस जब हम वर्कआउट करते हैं तब सेलुलर लेवल पर हमारी बॉडी डैमेज होती है अब अगर वर्कआउट डैमेज ही है तो हम उसे करते क्यों हैं बिकॉज वर्कआउट इज अ वे ऑफ क्वांटिफाइड डैमेज फॉर योर बॉडी दैट मीन यू नो एग्जैक्टली हाउ मच डैमेज यू आर डूइंग एंड ऑल द डूंगल कैन बी कैटेगराइज इन टू फोर कैटेगरीज कार्डियोस्कुलर इज आपका हार्ट कितना ज्यादा बीट कर सकता है बिना थके मस्कुलर इंडस आपकी मसल कितनी बार एक चीज की रिपिटेशन कर सकती है बिना थके मस्कुलर स्ट्रेंथ और पावर आप कितना वेट एक बार में उठा सकते हो एंड फ्लेक्सिबिलिटी, विच मींस कि आपकी मसल एक जगह से डिसोरियंट होके वापस से अपनी जगह पे कितनी इजीली आ सकती है भले ही आप किसी भी टाइप का वर्कआउट करते हो लेकिन वो वर्कआउट इन चार में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में तो जरूर फॉल करेगा वर्कआउट के साथ में मेजर गलती लोग ये करते हैं कि वर्कआउट को सिर्फ कैलोरी बर्निंग का एक जरिया माना जाता है हाउ जब आप इन चारों एलिमेंट्स पे फोकस करते हो तब ना सिर्फ आप कैलोरीज बर्न करते हो बट ऑल्सो यू क्रिएट अलॉट ऑफ डैमेज एंड रिपेयर पोटेंशियल इन योर मसल्स आपके ऑर्गन स्ट्रांग होते हैं आपके बोन्स स्ट्रांग होते हैं लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब इस ultimate body transformation equation का में में आता है, that is qualitative nutrition. So yes, workout में आपने तो कर लिया, लेकिन उस का फायदा तभी है जब आप उसे करने के लिए अपनी बॉडी को रॉ मटेरियल देते हो और वो आता है खाने से और इस क्वालिटेटिव न्यूट्रिशन को कल्चर बना के, कितने लोगों ने अपनी मट्टी बलीद करी है yeah, I think इस बारे में तो बात भी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी ऑल नो एंड वी हैव ऑल सीन पीपल लाइक दैट प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से हम वर्कआउट को सिर्फ कैलरी आउट इक्वेशन का पार्ट मानते हैं उसी तरीके से डाइट को हम सिर्फ कैलरी इन मानते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं है बट ऑल्सो इट गिव्स अस वाइटमिन मिनरल्स प्रोटीन्स टू रिपेयर आवर मसल्स आवर बोन्स एंड स्ट्रेंदन अस फ्रॉम विद इन एंड आवर सिस्टम्स इनफैक्ट क्योंकि हम क्वांटिफाइड डैमेज और क्वालिटेटिव न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझते इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि किसी फलाने बंदे ने एक वर्कआउट किया और उसका वेट कम हो गया तो हमारा भी वही वर्कआउट करने से वेट कम हो जाएगा लेकिन इन रियलिटी होता यह है कि आप कोई भी टेढ़ा मेढ़ा वर्कआउट करना शुरू करते हो जो आपके मसल्स के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया है आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया है इसीलिए आपको चोट लगती है आप इंजर होते हो और जिम और एक्सरसाइज बदनाम होती है एंड एट द सेम टाइम वेन यू फॉलो एनी डाइट ब्लाइंडली आप अपनी बॉडी के सिस्टम्स को सफर करवाते हो एंड इवेंचुअली यू डेवलप हॉर्मोनल इम्बेलेंसेज एंड इश्यूज दैट लिंगर ऑन फॉर लाइफ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने देखा है ऐसे लोगों के साथ में जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के चक्कर में उनके शेक्स और पोशंस के चक्कर में अपना वेट लॉस तो कर लेते हैं लेकिन उनके हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से हाइपोथायरॉइडिज्म, पीसीओडी एंड अपू एंटीमेट्रोसिस भी हो जाता है एनी anyway, वे ये फैट डाइट एकदम अलग वीडियो का टॉपिक है बट नाउ यू अंडरस्टैंड की क्वान्टिफाइड डैमेज और क्वालिटेटिव न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्या है अब आपने अपनी बॉडी को डैमेज कर लिया आपने अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया रिपेयर होगा तब जब थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन विल कम इन टू पिक्चर एंड दैट इज ऑप्टिमम रेस्टोरेशन और इन सिंपल वर्ड स्लीप और स्लीप के साथ में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को हमेशा से ये समझ में आया है कि सिर्फ सात से आठ घंटे हम सो लिए तो बहुत है बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ आप रात में तीन बजे सोए और सुबह ग्यारह बजे उठे दैट इज एट आवर्स ऑफ स्लीप वर्सेस इज अब रात ने दस बजे सोए और सुबह छह बजे उठे दैट इज ऑल्सो एट आवर्स ऑफ स्लीप इन विच केस यू विल फील विर एनर्जाड एग्जैक्टली रीजन फॉर दैट इज दैट स्लीप इज नॉट ओनली ड्यूरेशन डिपेंडेंट बट इट इज ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट बिकॉज हम भी प्लांट्स की तरह ही सनसाइकिल के हिसाब से काम करते हैं एंड आई माइट साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड बट प्लीज स्टार्ट स्लीपिंग इन सिंक विद द सन स्टार्ट स्लीपिंग विद इन थ्री टू फोर आवर्स ऑफ द सनसेट स्टार्ट स्लीपिंग बिफोर इलेवन पी एम सो दैट्स बेसिकली इंटायर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वेन यू फॉलो दिस इक्वेशन विच इज कंप्लीटली डिजाइंड फॉर योर लाइफ स्टाइल फॉर योर बॉडी देन देर इज नो पावर दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रिएटिंग दिस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हाउ एवर आई एम प्रिटी श्योर कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था आपको वर्कआउट्स के बारे में पहले से पता था टाइट के बारे में आपको पहले से पता था और ठीक से सोना चाहिए ये भी आपको पहले से पता था तो फिर क्यों अभी तक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया है इनफैक्ट दिस इज द रीजन वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फाइव रीजन्स वाई सब कुछ सही करने के बाद में भी आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट नहीं हो पाता है और आप दर दर भटकते तरह तरह का वर्कआउट और नाना प्रकार की डाइट फॉलो करते रह जाते हो अपना टाइम एफर्ट इमोशन वेस्ट करते हो लेकिन उसके बाद में भी आप हमेशा अपने आप को यही कहता हुआ पाते हो हमें तो यार पानी में लग जाता है मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता यार मैं तो सब करके देख चुकी सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजन वाई आर नॉट एबल टू फॉलो द बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इवन इफ यू रियली वॉन्ट टू एंड आई टेल यू फॉर रीजन ऑफ वाई यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू फाइंड अ क्विक फिक्स हो सकता है आप इन पॉइंट्स के साथ में ऑफेंड हो जाओ मुझसे एंड ऑलरेडी मुझे अनसब्सक्राइब कर दो बट दैट विल नॉट स्टॉप मी फ्रॉम फ्रॉ द ट्रूथ द ट्रूथ इज़ दैट देर आर सो मैनी पीपल हु वॉन्ट टू क्रिएट अ चेंज इन दिन सेल्स बट वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो जल्दी से उनका रिजल्ट ले आए कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से उनका रिजल्ट ले आए और उस आसानी और जल्दी के चक्कर में वो इतना टाइम वेस्ट करते हैं इतनी मुश्किल चीज़ें करते हैं एंड ऐट द सेम टाइम इतना टाइम और एफर्ट लगाने के बाद में भी वो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था और इवन दे वर्स इन देयर सिचुएशन आई मीन सोच के देखो मैंने अपने 12 साल की प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं हो सकता है आपने ऐसे लोग देखे हो या फिर आप खुद ऐसे लोग हो जिन्होंने पता नहीं कितनी सारी टाइप की डाइट्स ट्राई करी क्योंकि किसी ने बोला था कि ये वर्क करता है जिन्होंने बहुत सारे टाइप के वर्कआउट ट्राई करे किसी ऐसे के कहने पे जिसको वर्कआउट के बारे में शायद कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी सालों लगा दिए बहुत पैसे लगा दिए लेकिन एट द सेम टाइम जब कभी किसी ने ये बोला की बैलेंस डाइट और तीन हा बार हफ्ते में वर्कआउट करके भी हो जाएगा तब दिमाग में ये आया चल ऐसे थोड़ी होता है मेहनत करनी पड़ती है मुझे तो जल्दी वेट लॉस करना है इससे तो बहुत देर से होगा अब मुझे बताओ कि इन सारे टंटों के चक्कर में कितने साल आपने वेस्ट कर दिए और अगर उतना ही टाइम आपने एक्चुअली एक बैलेंस्ड अप्रोच में लगा दिया होता तो क्या आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक नहीं हो जाता तो स्टॉप ट्राइंग टू फाइंड अ मैजिक स्टॉप ट्राइंग टू फाइंड अ क्विक फिक्स बिकॉज देर इज नन इफ एनी थिंग इज साउंडिंग टू गुड टू बी ट्रू इट इज एक्जैक्टली दैट इट्ज नॉट ट्रू बिकॉज इट इज साउंड टू गुड हमारी बॉडी के सिस्टम्स आज जैसे हैं उनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं और आपको क्या लगता है कि कोई चतुर आएगा और उन सारे सिस्टम को एक क्विक फिक्स से चेंज कर लेगा चेंजिंग द बॉडी एंड ट्रांसफॉर्मिंग द बॉडी टेक्स टाइम हाउ एवर गिविंग दैट टाइम इज द फास्टेस्ट वे टू क्रिएट दट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज दे विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ टाइम वेस्टेज और एफर्ट वेस्टेज और इमोशन वेस्टेज द सेकेंड रीजन वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इवन दो वी ऑल नो द बेसिक्स इज दैट वी डू नॉट पुश आवर सेल्स वैन वी नीड टू एंड वी डू नॉट रेस्ट वैन वी नीड टू वट आई मीन बाय दिस इज कि ऐसा हो सकता है कि कभी आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है कभी आपकी बॉडी थकी हुई है आपको ठीक से नींद नहीं मिली बट बिकॉज आपने अपने आप को प्रोमिस किया था या आपने तो कहीं पे पैसे दे दिए हैं या फिर आपको किसी तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बोला था दैट फाइव टाइम्स इन अ वीक अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आप तो बेकार ही हो आपका जीवन बेकार है एंड दैट्स द रीजन वाई यू गो अगेंस्ट द विश ऑफ योर बॉडी यू गो अगेंस्ट द इंस्टिंक्ट ऑफ योर बॉडी एंड यू गो एंड पुश योर सेल्फ इन द वर्कआउट अगर आपको नहीं पता है कि इससे क्या होगा ये होगा इससे यू गेट बर्न आउट एंड यू इम्बेलेंस योर कॉटेसोल लेवल इस वीडियो में मैंने इस बारे में डिटेल में बात किया है प्लीज देख लेना बिकॉज अननेसेसरली पुशिंग योर सेल्फ

अगर लड़कियों के लिए वेट उठाने के बाद बल्कि होना इतना ही आसान होता तो लड़के एस्ट्रोजन के इंजेक्शन लेते एस्टोटोर के नहीं प्लस एनी वे गर्ल्स के लिए तो ये और भी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है दैट इट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूवन कि लड़कियों को लड़कों से आधा वर्कआउट करने पे भी सेम काइंड का बेनिफिट मिलता है बिकॉज एनी वे हमारी जो मैंस्ट्रल साइकिल है उसके फर्स्ट टू वीक्स में ही आपको वेट ट्रेनिंग करना है लास्ट के दो वीक्स ल्यूटियल फेज एंड फेज उसमें तो एनी anyway, वे आपको सिर्फ योगा ही करना है एंड इफ यू आर सामबड़ी हु माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रल फेजिस के सिंक में आपके वर्कआउट्स डायट्स और लाइफ स्टाइल के बारे में ये सारी वीडियोज मैंने बना रखी है इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक दम आउट द थर्ड रीजन वाई वी आर अनेबल टू अचीव अ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इवन दो वी नो द बेसिक्स इज दैट वी डू लिटल एंड वी एक्सपेक्ट मोर इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड लाइक यू टू इमेजिन अ पर्सन हु हैज़ हैड अ फ्रैक्चर अगर आपकी लाइफ में कभी आपके साथ में फ्रैक्चर हुआ है या आपने किसी और को देखा है जिसको फ्रैक्चर हुआ हो तो आपको पता होगा कि 45 डेज़ का इमोबलाइजेशन किया जाता है ऑन द बोन दैट हैज़ बिन ब्रोकन दैट मीन्स कम से कम फोर्टी डेज तक आप उस बोन को मूव नहीं कर सकते और अगर ये डिसिप्लिन आप फोर्टीथ डे पर भी तोड़ते हो तो so, आपकी मसल नहीं जुड़ेगी एंड यू विल हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन फॉर द एंटायर 45 फाइव डेज ऐसा ही चीज हमारी लाइफ की हर एस्पेक्ट में अप्लाई होती है स्पेशली फॉर ओवरकमिंग बॉडी इश्यूज और इफ़ यू हैव एनी मेडिकल इश्यूज टू ओवरकम जब आप अपनी बॉडी को हील कर रहे हो थ्रू दिस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन उसके बीच में एवरी टाइम यू हैव अ माइनर इनकनवीनियंस एवरी टाइम यू हैवेडिंग टू गो टू एवरी टाइम यू हैवे ट्रेवल कमिंग अप द फर्स्ट थिंग दैट गोज फॉर अ टॉस इज यूर फूड एंड वर्कआउट

बट वट इन हैपनिंग इज़ दैट फ्रॉम द डे वन यू आस्क यूर सेल्फ अच्छा इसमें चीट कितनी बार कर सकते हैं अच्छा इसमें मैं एल्कोहल पी सकती हूँ कि नहीं पी सकती हूँ अच्छा हफ्ते में एक बार तो चल जाएगा यू कीप डूंग दीज थिंग्स ऑन रिपीट एंड देन वेन देर इज नो रिजल्ट टू मंथ्स थ्री मंथ्स डाउन द लाइन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग यूर एंटायर थिंग कि हम लोगों को गंद खाने की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि जब हम क्लीन रीडिंग करते हैं तो हम उसको डाइटिंग बोलते हैं अगर आप दाल चावल रोटी सब्जी अपना नॉर्मल घर का दूध दही पनीर खा के वेट लॉस कर रहे हो तो आपको क्या बड़ी है बाहर का जंक खाने की क्यों आपको बाहर के पैकेट वाली चीज़ें खानी है जब आपको पता है कि वो नुकसान करेंगी और अगर ये सब चीज़ें छोड़ना आपको टू मच लग रहा है देन थिंक अबाउट दिस थिंग मे बी यू हैव हैड सो मच ऑफ दीस थिंग्स दट यू हैव रन आउट ऑफ द कोटा ऑफ द बैड थिंग्स एनी विच वे ये हम लोगों ने देखा भी है ना अपनी लाइफ में ऐसे लोग हम सब ने देखे हैं जो हर रोज डेली बेसिस पे छोले भटूरे खा रहे होते हैं जब देखो मिठाई खा रहे होते हैं अंड बिशन टाइम पे जंक खा रहे होते हैं गेट अ हार्ट अटैक एंड डॉक्टर बॉइल्ड खाना खाना पड़ेगा फॉर रेस्ट ऑफ याइफ सो इस कम्फर्ट जोन माइंड सेट को ओवरकम करने के लिए दर इज अ थ्योरी एंड दट थ्योरी इज दैट वी कम इन दिस लाइफ विद अ स्पेसिफाइड कोटा ऑफ द बैड थिंग्स दैट वी कैन डू टू आवर and एंड टू अदर पीपल और जितनी जल्दी आप वो कोटा खत्म करोगे उतनी ही जल्दी आपको संत महात्मा वाली लाइफ शुरू करनी पड़ेगी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप महीने में एक बार जंक खाना चाहते हो या हर रोज खाना चाहते हो और उसके बाद बीमारी से ग्रस्त होकर हमेशा के लिए उबला हुआ खाना खाना चाहते हो मेक अ चॉइस एंड द नेक्स्ट रीजन वाई यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन योर फॉर योर सेल्फ इज दैट यू द फिजिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी एंड दी ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग इशूज़ ऑफ़ यर लाइफ वट आई मीन बाय दिस इज़ आपने दुनिया का सबसे अच्छा वर्कआउट और दुनिया की सबसे अच्छी डाइट तो उठा ली बट ये नहीं सोचा कि क्या आप उस डाइट को अफोर्ड कर सकते हो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप इतना वर्कआउट कर पाओ क्या आपके घर में इस तरीके का माहौल है कि आप ये वाला स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाओ क्या आपने जो डाइट शुरू किया है वो आपके घर में भी सब लोग खा पाएंगे दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क बिकॉज इफ यू आर नॉट इन सिंक विद ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स देन यू आर बाउंड टू फेल फ्रॉम द डे वन क्योंकि कभी ना कभी आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस तो आना ही पड़ेगा एंड द मोमेंट यू रिटर्न टू योर नॉर्मल लाइफ

उसको करने के लिए देर इज नीड टू फॉलो एंड इफ यू डोंट जॉब इफ यू आर इन रिलेशनशिप आप उस रिलेशनशिप के लिए कुछ चीजें कर रहे होंगे कुछ चीजें सेक्रीफाइस कर रहे हो कुछ चीजों पर मेहनत कर रहे द डे यू स्टॉप डूइंग दैट आपकी लड़ाई होनी शुरू हो जाएंगी तो जब ये चीज हमारी लाइफ की बाकी सारी एस्पेक्ट्स पे वर्क करता है तो आपको क्यों लगता है कि सिर्फ तीन महीने जम जाएंगे सब ठीक हो जाएगा और उसके बाद हम जम छोड़ देंगे या फिर सिर्फ तीन महीने के लिए अच्छा खाना खाएंगे उसके बाद हम वापस से छोले भटूरे खाने लगेंगे आपको क्यों लगता है कि आपकी हेल्थ आपको पूरी जिंदगी सपोर्ट करेगी जब लाइफ में कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती है जब लाइफ की सारी ही चीजें एक कांस्टेंट वर्क है इंक्लूडिंग योर रिलेशनशिप्स योर वर्क योर स्टडी

कभी भी वो चीज़ वर्क नहीं की और जब हम सेशंस के लिए बैठे तो मेरी हैबिट है कि मैं किसी भी क्लाइंट के बचपन तक जाके उनकी कहानी सुनती हूँ बिकॉज दैट्स वेयर आई फाइंड द लिंक्स टू देयर करंट सिचुएशन एंड वॉट वी फाउंड आउट वॉज दैट शी वॉज इन टू ऑब्सेसिव कम्पल्सिव ईटिंग बिकॉज वेन शी वॉज सेवन ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम किसी तो सड़ी हुई आंटी ने ऐसा बोल दिया था कि मम्मी बहुत सुंदर है और बच्चे सुंदर नहीं है इमेजिन समबडी फर्स्टली समबड़ी सेंग समिंग लाइक दैट टू अ सेवन ईयर ओल्ड केड बट एनी वे दैट थिंग वॉज इंटरनलाइज बाय हर एंड एज अ रिजल्ट वो जब भी कोई भी डाइट करने की कोशिश करती थी इवेंचुअली शी यूज टू ऑलवेज ब्रेक दैट और वो जो इमोशनल वर्ड था

और जब तक आप उस इमोशनल रीजन को एड्रेस नहीं करोगे तब तक आप इस इमोशनल ईटिंग को ओवरकम भी नहीं कर पाओगे जो जब आती है तो आपको लगता है कि कोई राक्षस आपके सर में घुस गया है और वो राक्षस आपसे खाना खिलवा रहा है इफ़ यू ऑल्सो फील कि आपको भी इमोशनल ईटिंग का प्रॉब्लम होता है और दैट इज द रीजन वाई आर नॉट एबल टू क्रिएट अ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देन दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू आज बैठ के सोचो और लिखो कि क्या बचपन की कोई मेमोरी है जहाँ पर आपका फूड से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप हुआ और क्या वो मेमोरी आपको आज तक भी अफेक्ट कर रही है राइट दीज थिंग्स डाउन सो दैट यू कैन प्रोसेस एंड यू कैन अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी बेटर और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी क्रेविंग्स में किस तरीके की फीलिंग्स आपको आती है क्या खाने का मन करता है वो चीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ सो so दैट अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो हम उसको भी एड्रेस कर पाए आई होप दिस वीडियो नॉट ओनली गेव यू अ कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट दी थ्री स्टेप्स ऑफ अल्टीमेट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बट ऑल्सो गेव यू अ क्लैरिटी ऑन हाउ यू कैन इट इन योर ओन लाइफ अगर इस वीडियो ने आपको नॉर्मल वीडियो से और नॉर्मल वेट लॉस ज्ञान से अलग कुछ सिखाया है तो अपनी फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर करो एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन अबाउट हाउ यू एक्चुअली फील About your body, so that you not only lose weight but also get healthy in the true sense. And also, if you want to talk to me about anything, then DM me on Instagram. I would love to have a chat with you. And on that note, I'll see you in the next week with another video about health, well being, and overall feeling good about your body and yourself.